खबर दिल्ली से। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से दो छात्राओं व एक छात्र की मौत हो गई। लाइब्रेरी में इतनी तेजी से भरा बरसात नाले का पानी के छात्रों का निकलना दूभर हो गया। अब तक तीन की जान जा चुकी है। रेस्क्यू करने वाली पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने दो छात्राओं का शव बीती रात ही बरामद कर लिया था। वहीं एक छात्र का शव आज सुबह बरामद हुआ। एक चश्मदीद छात्र ने कहा, 7 बजे करीब लाइब्रेरी बंद हुई, करीब 35 बच्चे मौजूद थे। हम लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया। इसी दौरान सभी छात्र बेसमेंट से ऊपर निकल रहे थे, लेकिन पानी इतना तेज आया कि कुछ छात्र फंस गए और 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट भर गया। बारिश का पानी इतना गंदा था कि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस हादसे में उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव की दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग में पानी भरने से भी मौत हो गई। श्रेया यादव की मौत से गाँव में गम का माहौल है। वहीं कोचिंग सेंटर हादसे के बाद छात्र बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं डीसीपी सेंट्रल दिल्ली हर्षवर्धन ने बताया, कोचिंग सेंटर मामले हादसे की तफ्तीश के बाद एफआईआर हुआ दर्ज। 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल भराव की स्थिति होने के बाद जिस तरह से 3 युवाओं की हादसे मौत हो गई, इस मामले में शुरुआती तफ्तीश के बाद दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर चलाने वाले शख्स, ट्रेनिंग सिस्टम की देखभाल करने वाले संस्था और लोगों सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू कर दी है। इस मामले में कोचिंग सेंटर चलाने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे की तफ्तीश और पूछताछ जारी है। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार, श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेलविन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर बिल्डिंग के मैनेजमेंट वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सबके खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।